अगर बात करी जाए तो शेरगुल पांडे का मतलब पहला प्यार बनी है, पहले प्यार की भूमिका निभाई, इसके बारे में बताइए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है, क्योंकि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज में इतने बड़े स्टार के साथ डेब्यू करने का मौका, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ और बस अपने आप को काबिल साबित करना चाहती हूँ। इसी सब में अगर आपके अगर किरदार की अगर बात करी जाए तो उसके बारे में बताइए, किस तरीके के किरदार में आप नजर आएंगे इस फिल्म में? खुशी का जो किरदार है वो एक बहुत मासूम, प्यारी, इनोसेंट, सिंपल लड़की का है और वो शेरगुल पांडे का, जैसे आपने कहा, पहला प्यार प्ले कर रही है, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा उसके बारे में फिल्म में। किस तरीके की तैयारी करी आपने खुशी के लिए आपकी अगर बात की जाए? जी, खुशी का जो किरदार है वो एक गाँव की लड़की का है और मैं वैसे शहर के माहौल में पली पड़ी हूँ, तो आई थिंक उस पर मेहनत हुई, क्योंकि उनका लहजा, उनकी बोल चाल, उनका हाव भाव, वो कैसे उठती है, बैठती है, बोलती है, तो उस पर काम करना पड़ा। एंड आई थिंक मैं बचपन में पापा के साथ इतने सारे गांव में शूटिंग के लिए गई हूँ, तो उसकी भी बहुत मदद हुई। Okay, जिस तरीके से हमने दबंग में देखा, दबंग 2 में देखा, एंड नाउ 3 में, तो एक लैंग्वेज का एक बहुत फर्क है जी, एक अलग अलग उनका उनकी लहजा। हाँ, तो वो कितना चैलेंजिंग था आपको वो पकड़ने के लिए, मतलब वो एक जी मुझे लगता है कि एक बार जो हैबिट हो जाती है ना, तो इतना मुश्किल नहीं होता वो पकड़ में आना। सलमान के साथ में नजर आएंगे आप जी, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस था आपका सलमान का? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, उनसे मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, मैं रोज़ घर जाती थी तो एक नई चीज़ सीख कर जाती थी। एंड कोई इसी के साथ में सोना भी है फिल्म में, प्रभु देवा है, सुदीप है जी, तो कैसा एक्सपीरियंस था सबके साथ? बहुत ही वो सब बहुत एक्सपीरियंस्ड है और मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस्ड बड़े हस्तियों के साथ काम करने का अपने डेब्यू फिल्म में मौका मिला है, तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है। ये फिल्म बहुत ही अच्छी थी क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म थी, बहुत मज़ा आया, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी है मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी थी कि मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं ये फिल्म करते हुए। ऐसे कोई रेफरेंस लिया अपने अपने इस किरदार के लिए खुशी की बात की? रेफरेंस यानी फिल्म फिल्म से और लाइफ से? रियल लाइफ से कोई ऐसे रेफरेंसेस लिया आपने खुशी के किरदार के लिए? जी, आई थिंक मैं खुद बहुत खुशी जैसी हूँ, तो खुशी का किरदार मुझ में नेचुरली आ गया था। फिल्म में काफ़ी एक्शन भी है जी, जिस तरह की समझ देगा वन लाइनर से, तो हमें खुशी में भी हमें वो उस खुशी के भी कुछ एक्शन करती नजर आएंगे इसमें? एक्शन मतलब कुछ मार धाड़ करती है? मासूम सी लड़की को आप मार धाड़ क्यों करा रहे हो? आई थिंक खुशी का जो किरदार है वो बहुत ही मासूम है और वही मासूमियत सलमान सर ने मुझ में भी देखी और उसी की वजह से उन्होंने मुझे कंसिडर किया इस रोल के लिए, और तभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि मैं कंसिडरिंग यू फॉर दिस रोल, तो अभी एक्टिंग पे काम करो, डांसिंग पे काम करो, हम स्क्रीन टेस्ट करेंगे, देखेंगे आप कैसे कर रहे हो, एंड इफ़ यू गुड देन वील टेक यू, और फिर अभी मैं यहाँ हूँ। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल करवाते हैं मेरे लिए, सब कुछ इतना स्पेशल करवाया, मुझे इतना स्पेशल फील करवाया कि मैं उन्हें जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है। कोई मम्मी पापा से कोई ऐसी टिप्स मिली जब आप शूटिंग के लिए निकल रहे हो, जब उन्होंने बताया शूटिंग में तो सलमान खान की इस तरीके से बिहेव करना? नहीं, बिहेवियर के बारे में नहीं, आई थिंक मम्मी मुझे हमेशा बोलती है कि आँखों से एक्टिंग करो, जो मुझे शूटिंग के दौरान पता चला उसका मतलब क्या है, और आई होप कि मैंने उनकी बात अच्छी तरह से सुनी है। कोई सलमान ने कोई आपको एडवाइस दी ड्यूरिंग द शूट? उन्होंने हमेशा मुझसे कहा है कि मेहनत करो, और मेरे पापा ने भी, आई थिंक सब ने कहा है कि हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसी के साथ में लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप? 20 दिसंबर को दबंग 3 आ रही है, तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाइए थिएटर में और वो फिल्म देखिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए।